बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दारगम स्कूल्स इस्लामाबाद के जो 5 कैंपसेस हैं, मोहम्मद इमरान ख़ान साहब के, उनके तलबा और तालबात के तकमील हिफ्ज़ कुरान की ये तकरीब थी। और दारगम स्कूल इस लिहाज से एक मुनफरिद स्कूल है कि इसमें एक तरफ तो असरी तालीम फराहम की जा रही है और दूसरी तरफ बच्चों की किरदार साजी और कुरानी और दीनी तालीम की तरफ भी पूरी तवज्जो दी जाती है। तो ये आज का प्रोग्राम मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से बहुत ही शानदार और एक मिसाली प्रोग्राम था कि जिसमें ना सिर्फ ये कि तलबा और तालबात ने अपने सलाहियतों का मुजाहरा किया स्टेज के ऊपर आकर, उन्होंने जो है कि जो स्कूल की तालीम के दौरान जो हिफ्ज़ कुरान किया था उसकी तकमील के ऊपर उनको जो है कि हौसला अफजाई की गई है। तो मैं बहरहाल इस मौके पर इमरान ख़ान साहब और मैडम नौशीन इमरान साहिबा को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, उन तमाम वालदैन को कि जिन्होंने अपने बच्चों के हिफ्ज़ कुरान की तकमील में अपना किरदार अदा किया। और हम ये तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान में आज से 25 साल पहले दारकम ने जो एक ट्रेंड सेट किया था कि असरी तालीम के साथ साथ जो है कि दीनी तालीम और अंडर वन रूफ जो है कि आप बच्चों को रेगुलर तालीम भी दे रहे हैं और उसके साथ साथ जो है कि आप बच्चों की कुरानी तालीम का बंदोबस्त भी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस ट्रेंड को मुआशरे ने कबूल किया है और बहुत सारे लोग जो है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब इसमें आगे बढ़कर आ रहे हैं। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ वालदैन को, असातिज़ा कराम को और जिन असातिज़ा कराम ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है। बहुत ही शानदार मैचलेस प्रोग्राम था कि जिसमें आप चाहे बैकड्रॉप की बात हो, बच्चों की परफॉर्मेंस की बात हो, बच्चों के कॉन्फिडेंस की बात हो, तो ये सारी चीज़ों ने मिलकर इस प्रोग्राम को एक यादगार प्रोग्राम बना दिया।